हेलो दोस्तों, हाय, आपको मेरे वीडियो में स्वागत है। हम आज बनाएंगे मशरूम। हम जंगल गए थे तो आपको वीडियो तो हम दिखा नहीं पाए, लेकिन हम लेके आए हैं, आपको हम बना के दिखाएंगे और नेक्स्ट टाइम आपको ले चलेंगे। अभी देखिए, हम अभी मशरूम को धो रहे हैं। देखिए इतने सारे मशरूम लाए हैं, हम तो पानी में भिगा दिए हैं धुलने के लिए। देखिए, इसको बोलते हैं भरंडा खुखड़ी, तो ये मेरे भाषा में बोलते हैं भरंडा खुखड़ी। आप क्या बोलते हैं उसको कमेंट में मेरे को बताइएगा। और सफेद सफेद देखिए, छत्ता के जैसा, अम्ब्रेला के जैसा है, थोड़ा थोड़ा काला काला पड़ गया है, उसको हम धो देंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इसको सब्जी नहीं बनाएंगे जैसे दिख रहा है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसको तो सब्जी बना के खाते हैं और हम भी बनाएंगे और आपको हम बना के दिखाएंगे। इसको तो धुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये हम अभी इसको बीच बीच में तोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा, आप कभी भी लाइएगा तो देखिए ऐसे, इसको ऐसे तोड़ देना, इसे थोड़ा थोड़ा पतला पतला करके ऐसे तोड़ देना। तोड़ने के बाद उसको सब्जी बनाना। देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है। देखिए इसको सब्जी बनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। इसको सब्जी बहुत अच्छा लगता है, मसाला देके बनाएंगे। ऐसे करके आप भी कभी भी बनाएंगे तो, कभी भी बनाएंगे तो ऐसे करके आप तोड़ देना। और हम इसको तोड़ के खत्म कर देंगे, उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। वीडियो में बने रहना दोस्तों। ये वाला सरसों का तेल है, इसको हम डालेंगे अभी। देखिए जितना लगाएंगे, जितना आपका मशरूम है उतना आप लगाएंगे। देखिए ये प्याज है, ये मिर्चा है, उसको तेल गर्म होने के बाद आप मिर्चा को डाल सकते हैं। और देखिए मशरूम को हम यहाँ पे रखे हैं, इसको हम बना लिए हैं, पूरा बना दिए हैं, उसको हम अभी डालेंगे। देखिए सब कुछ हो गया है, तेल भी गर्म हो गया है। इसको हम पहले हम प्याज, ये चिली को डालेंगे। वो थोड़ा होने के बाद हम प्याज डालेंगे, थोड़ा लाल होगा, उसके बाद हम मशरूम को डालेंगे। इसके यहाँ से हम बहुत पानी निकलेगा, इसलिए हम ऐसे थोड़ा निचोड़ लेंगे पानी। आप पहले भी इसको निचोड़ सकते हैं, पर हम तो भूल गए हैं, इसलिए अभी निचोड़ रहे हैं पानी को, नहीं तो बाद में अभी पानी थोड़ा नहीं निकलाएंगे तो बाद में ये बहुत पानी निकलेगा। इधर प्याज हो रहा है, क्या हुआ बच्चा? अभी ओ ऐसा गंदा वाला नहीं देखो, जाओ अंदर में पढ़ी करना, जाओ। देखिए मेरा पूरा खत्म हो गया है, इसको आप साइड में रख दीजिए। इतना देखिए, इतना पानी है, इतना पानी यहाँ डालेंगे तो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसा करके पानी को छांट लीजिएगा। यहाँ पर आपका हो गया है प्याज, आप यहाँ उसको डाल देना, मशरूम को यहाँ पे डाल दीजिएगा। Thank you.
डाल दिए हैं, तो हम थोड़ा नमक लगा देंगे स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार नमक लगा लिए। देखिए मसाला लगा देंगे। यहाँ आप मसाला पीस के भी लगा सकते हैं या पाउडर वाला लगा सकते हैं, जो आपका मर्जी, जो आपके पास है वही वाला लगा लेना। इसके बाद हम देखिए, ये जंगल का है इसलिए वैसे नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा अचार दे रहे हैं। देखिए उस ज्यादा, देखिए ये आम का अचार है, इसको इसमें आप इमली डाल सकते हैं, तो मैं इमली नहीं खाती हूँ इसलिए मैं आम का अचार डाली हूँ। देखिए उसको आप स्वाद अनुसार लगाएंगे, ये खट्टा खट्टा लगेगा। इसको हम देखेंगे 10 मिनट के बाद, थोड़ा ज्यादा ये पानी निकलेगा। थोड़ा पानी कम हो जाने के बाद हम देखेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये हो गया है, मशरूम हो गया है, उसका पानी पूरा सूख गया है। देखिए उसको हम उतारना खाली बाकी है और उसको उतार के हम खा सकते हैं। अभी हम खाना खाएंगे, आपको वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, बच्चा कैसे बदमाशी हो रहा है, देखिए खाना नहीं खाएगा बोल रहे हैं। और हम लोग खाना खाने के लिए पूरा रेडी हो गए हैं। देखिए बच्चा बोल रहा है, मेरे को देखो हम बैलून फुलाएंगे। और घर तो पूरा बहुत गंदा हो गया है, बच्चा इधर उधर कपड़ा को फेंक के ठीक कर दिया है। देखिए देखिए ये मशरूम का सब्जी है देखिए। और ये सुबह का हमारा चिकन हुआ था तो थोड़ा सा बच गया था। और दाल तो हम नहीं खाते हैं, मेरे आज बनाए थे पर ये मुर्गा खाने के चक्कर में दाल को नहीं बनाए, और आज मशरूम और चिकन को खाएंगे। दोस्तों अभी हम खाना खाएंगे, तो देखिए दोस्तों अभी हम खाएंगे मशरूम की सब्जी। देखिए अच्छा ही बना है, आप भी खाइएगा घर में बना के। और आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर करना और मिलते हैं अगला वीडियो पे। बाय बाय।